दोस्तों अभी हम लोग मुलाना आए थे और यहाँ पे महादेव का मंदिर देखे, मूर्ति प्रतिमा, तो मज़ा आ गया। तो इसलिए सोचे कि चलिए आज इसका पूरा अच्छे से वीडियो में कैप्चर करते हैं और एकदम मस्त वाला वीडियो में बने रहिए, सारा आपको इलाका घुमाते हैं, मज़ा आ जाएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए पूरा भव्य हम लोग दर्शन करते हैं महादेव के प्रतिमा का। अभी हमको लग रहा है निर्माण कार्य जो है ना अभी चल रहा है और ऊपर में महादेव का प्रतिमा है। देखो गंगा जी भी जटा में महादेव के बंधी हुई हैं और इसके साथ साथ त्रिशूल और सांप, गजब का वो वाला महादेव के मुंडी में जो सांप है उसको देखिए, और जो त्रिशूल पे है वो महादेव के तरफ देख रहा है और ये हम लोग के तरफ जो महादेव के गर्दन में सांप है उसको पता है क्या बोलते हैं, बांसुकी। बांसुकी जी मतलब सांपों के राजा होते हैं बांसुकी, उनको हमेशा महादेव के गर्दन में रहते हैं और वरदान भी मिला है महादेव को। पता नहीं बांसुकी है कि कोई और है, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, कहानी में हम सुने हैं। और इसमें देख सकते हैं आप ये पानी है, हमको लग रहा है ये कुंड बनेगा आने वाले समय में। और ऊपर में ये दोनों तरफ से मूर्ति है, मतलब ये आगे से भी पीछे से भी देख सकते हैं आप, पीछे से भी आपको मूर्ति का अनावरण एकदम मस्त वाला दिख रहा होगा और अंदर में शिवलिंग स्थापित किया जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। और अभी इधर बालू वालू है तो अभी निर्माण कार्य लग रहा है मेरे को चल रहा है, अभी जब बन जाएगा तो एकदम मस्त लगेगा देखने में पूरा एकदम। इधर आइए हम लोग चलते हैं, देख रहे हैं अभी इधर पूरा। अच्छा नीचे में पिलर से देख के तब ऊपर तक बनाया गया, पूरा ही पिलर से ऊपर तक, और इसके अंदर शीशा का पूरा बनाया गया है कि ये शिवलिंग है ये, जिसको अभी स्थापित नहीं किया गया है और जब बन जाएगा ना तब इसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। और इधर अभी निर्माण कार्य अभी चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है, बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। इधर आसपास का नज़ारा देखिए, मुलाना छोटा मोटा एक ग्राम पंचायत है बोल सकते हैं आप, छोटा मोटा एक बाज़ार है। और इधर जो हाईवे है ये यमुनानगर अम्बाला हाईवे है और इधर वाला सीधे जो हाईवे सीधे सहारनपुर होते हुए हरिद्वार भी चला जाता है और इधर वाला अम्बाला चल जाता है, ऊपर ऊपर चल जाता है, बाईपास है। और इधर पूरा नज़ारा को देखिए, यहाँ पे किनारे किनारे बैठने उठने के लिए भी व्यवस्था सब किया गया है, देख सकते हैं आप, इधर भी बैठने का व्यवस्था बनाया गया है। और चारों तरफ से मैं आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ। हाँ तो देखिए ये सामने में ये मंदिर है, ये माता श्री बाला सुंदरी का मंदिर है, इसके अंदर मैं इसका भी वीडियो में बनाया हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज़रूर देखिएगा। और इसमें काली जी का है, अलग अलग काल भैरव का है, दुर्गा जी का है, श्री राम दरबार, अलग अलग मंदिर है, इसके अंदर व्यवस्था किया गया है, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ये जो किनारे किनारे बाउंड्री दिया गया है और इसके अंदर पानी है, मतलब ये कुंड उंड बनेगा और तालाब जैसा बढ़िया रहेगा और इसके साथ साथ इधर लोग बैठ भी सकते हैं तो ठीक ठाक है, पर्यटक के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से मैं आपको चारों तरफ का यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए ये मंदिर से ले कर यहाँ तक का, और काफ़ी एकदम भव्य महादेव का प्रतिमा है और बहुत दूर से भी दिख जाता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मंदिर में भी चला जाएंगे हम लोग और देख सकते हैं आप, काफ़ी दुर्लभ नज़ारा यहाँ से है। फाइनली दोस्तों पूरा मंदिर का एरिया और जो भी इधर का कुंड के ऊपर महादेव का प्रतिमा है सारा का वीडियो बन चुका है और जल्दी करेंगे कि उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपके लिए लाया जाए। और इधर देख सकते हैं तालाब उलाब सब एकदम मतलब बढ़िया लगा मेरे को, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। और महादेव का है तो पता ही है आपको, महादेव के हम लोग कितने बड़े भक्त हैं। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो मंदिर का ये महादेव का प्रतिमा का वीडियो था, आशा करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। और आशा करते हैं कि आपको भी महादेव का दर्शन करके आनंद आ गया होगा, अगर आनंद आ गया तो हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो फिर समझ रहे ना, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तभी आनंद आएगा, आनंद से परमानंद की ओर कैसे जाएगा। हर हर महादेव।